नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों आज मैं आपको ये अपराजिता के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये अपराजिता देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग चल रहा है। तो इस फ्लावरिंग के पीछे क्या क्या मैंने किया है और कैसे इसको बुशी बनाया है, ये सारा जो जानकारी मैं आपको शेयर करूँगा। और इसको आगे की केयर के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे मतलब बहुत अच्छा फ्लावरिंग आपको मिल सकता है। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग चल रहा है। तो ये देखिए पूरा जो प्लांट्स है फ्लावर से भरा हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं एक एक करके जो है इसका जानकारी मैं आपको शेयर करूँगा। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट आप अपराजिता का देख रहे हैं, ये समर में तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग किया था। उसके बाद जो है अचानक जो है इसमें ये जो लीव्स है ये पीला होने लगा और उसके साथ साथ जो है लीव्स झड़ने भी लगा और लीव्स छोटा होने भी लगा। तो उसको मैंने जो है एक ही उपाय किया, इसको जो है उस टाइम मेरे करीबन जो है 1 से 1.5 महीना का हो गया, मैंने इसको प्रूनिंग कर दिया था। तो ये देखिए ये प्रूनिंग के बाद ये देखिए इसमें से नया नया ब्रांचेस इसमें से निकला हुआ है। तो ये यहाँ से जो मतलब इसका जो हाइट है तो ये देखिए 1.5 फीट के करीबन रख के फिर मैंने इसको प्रूनिंग कर दिया था। तो प्रूनिंग के बाद देखिए कितना अच्छा इसका जो ये जो ब्रांचेस निकला हुआ है, कितना अच्छा ये बुशी बना हुआ है। तो प्रूनिंग के बाद दोस्तों जैसे इसका नया शूट्स निकलना शुरू हुआ था तब मैंने जो है इसको एक मिक्स फर्टिलाइज़र दिया था। एक मिक्स फर्टिलाइज़र में था कंपोस्ट, नीमखली, थोड़ा सा बोन मिल और थोड़ा सा जो है मस्टर्ड पाउडर का डस्ट। तो वो जैसे मतलब 4:3:2:1 के रेशियो में मैंने इसको प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों ये जो प्लांट है उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका ब्रांचेस निकला और देखिए ये जो है 1-1.5 महीना में, मेरे ख्याल से 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ प्रूनिंग के बाद, ये देखिए कितना अच्छा बुशी बना हुआ है और फिर से दोबारा से जो है इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों मैं इसको बस और जो केयर किया, जैसे मतलब इसको शूट्स निकला है तो उस टाइम जो है एक बार फिर इसको थोड़ा सा जो है बोन मिल और थोड़ा सा नीमखली मैंने इसको प्रोवाइड किया था। तो दोस्तों ये अपराजिता का फ्लावर प्लांट जो कि एक समर में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, समर में इसका जो है बहुत अच्छा फ्लावरिंग चलता रहता है। तो समर में फ्लावरिंग के साथ साथ जैसे जैसे मतलब कहना विंटर नज़दीक आता है तब इसमें जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बंद नहीं होता है। ये मतलब पूरा जो है साल भर ही कुछ ना कुछ फ्लावर, एकदम एक्सट्रीम जो है विंटर में जाके थोड़ा सा जो है रुक जाता है। तो उसके बाद जो है दोस्तों फिर दोबारा जो है इसका ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो दोस्तों एक चीज़ जो है मेरा इससे पहले जो भी वीडियोस है तो बहुत सारे मतलब व्यूअर्स जो है उनका ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा लीव्स जो है वाइट हो गया, लीव्स जो है पीला पड़ गया, लीव्स छोटा हो गया और नीचे गिर गया। तो अगर आप मतलब शुरू से इसका ध्यान रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको प्रूनिंग कर दीजिए, प्रूनिंग करने के बाद न्यू शूट्स जब निकलता है तब उसको आप केयर कीजिए, नहीं तो फिर एक बार जब उसमें लीव्स जो है वाइट बनना स्टार्ट हो जाता है या तो छोटा होकर गिरना शुरू हो जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल की बात है। दोस्तों उससे अच्छा है आप उसको जो है प्रूनिंग कर दीजिए, प्रूनिंग करने के बाद जब दूसरा नया ब्रांचेस निकलता है तो उसी को जो है आप इसको केयर कीजिए। तो उसको कैसे केयर करें वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शूट्स निकलता है तो आप इसको जो है फर्टिलाइजिंग करें, तो फर्टिलाइजर में जो है उसका आप इसको बर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग मैन्योर साथ में नीमखली ऐड करके आप उसको दे सकते हैं। तो आप उसको देंगे तो फिर इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट्स, ये मतलब ये सन में ग्रो होता है, सन जो है कम से कम 5 से 6 घंटा का सन अगर मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो इसीलिए सन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में दोस्तों जैसे जैसे ये ग्रो होता है तो ऐसे ही मतलब कहना है ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारा बीमारी लगते हैं। तो अगर सॉइल में अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी है तो फिर ये येलो लीव्स बनता है, और सॉइल में अगर आपका फंगस रहेगा तो फिर इसका जो ये लीव्स है वो कर्ली बनेगा, मतलब छोटा होगा। तो ये सारा जो है बहुत सारा इसका मतलब जो डिजीज़ है वो शुरू हो जाता है। तो इसीलिए
शुरू से अगर आप इसको थोड़ा सा केयर रखेंगे तो उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों जैसे आप इसको जो है पेस्ट का कंट्रोल कीजिए तो वही अच्छा है कि मतलब पेस्ट लगने से पहले आप इसको अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है हेल्दी रहेगा और अच्छा फ्लॉरिंग भी करेगा। तो इसीलिए ये पेस्ट कंट्रोल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये देखिए, ये मैंने आज सुबह घोल लिया, जो कि 1 लीटर पानी में 5 ml जो निम ऑयल है उसको मैंने इसमें डाला, जबकि ये 1 लीटर का नहीं है, ये कम है, ये 800 ml का है। तो फिर 1 लीटर के हिसाब से 5 ml आप उसमें निम ऑयल डालिए और उसको घोल लीजिए। और ये हफ्ते में जो है पहले जो है कोशिश कीजिए हफ्ते में थोड़ा सा स्प्रे करने के लिए, उसके बाद आप इसको 10-15 दिन के बाद आप इसको स्प्रे कीजिए। तो इसी से क्या है, ये प्लांट जो है आप मतलब क्या ना, आप हेल्दी इसको रख सकते हैं और कोई सारा बीमारियों से आप इसको रोक सकते हैं। ये जो स्प्रे है देखिए, ये मैंने कर रहा हूँ, तो इसको पूरा जो है नीचे से, अब नीचे का पत्ता जो है, लीव्स का जो नीचे का पोर्शन है उसको भी आप थोड़ा सा नीचे करके इसको स्प्रे कीजिए, ताकि लीव्स का नीचे भी इसको प्रेस ठीक से हो जाए। तो आप थोड़ा सा ऐसे करके नीचे करके देखिए, ऐसे करके मतलब पोजीशन करके इसको नीचे से आप इसको स्प्रे कीजिए, तो इससे पूरा जो लीव्स है आप ऊपर से भी नीचे से भी पूरा जो है ये जो पेस्टिसाइड से ये पूरा जो है लग जाएगा। तो इसी से जो है कोई भी इसमें पेस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो शुरू से अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और अच्छा फ्लोरिंग भी करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको फर्टिलाइज़र जो है अभी क्या देना है। तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो फ्लोरिंग है ये स्टार्ट हो गया, इसमें बड्स भी है, आप देख रहे हैं बहुत सारा बड्स इसमें है। तो इस टाइम जो है इसको और भी थोड़ा सा जो है फूड की ज़रूरत है, एक तो फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप इस टाइम जो है इसको थोड़ा सा फास्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र है उसको आप प्रोवाइड करेंगे। आप इसको या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलका आप भिगो के इसको उसका पानी जो है आप इसको दे सकते हैं, या तो जो है बोन मिल आप इसको दे सकते हैं। तो मैं बोन मिल का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है दोस्तों इसको थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं हल्का। देखिए ये जो रूट्स है बिल्कुल ऊपर तक, मतलब क्या ना, ये नया रूट्स देखिए इसके ऊपर भी फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हल्का गुड़ाई कर दीजिए, उसके बाद जो है इसमें आप थोड़ा सा बोन मिल जो है आप इसको डाल दीजिए। तो इसे हल्का गुड़ाई कर दिए, अभी जो है दोस्तों इसको ये देखिए, ये करीबन मतलब एक स्पून के करीबन है, इसको मैं ऐसे करके छिड़क दीजिए, थोड़ा सा और दे दीजिए, 1 से 1.5 स्पून करीबन ऐसे मतलब छिड़क दीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। तो दोस्तों वाटरिंग मतलब मॉइस्चर इसको मेंटेन कीजिए। ऐसे तो बरसात का सीज़न है तो पानी जो है आपको चेक करके देना पड़ेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो थोड़ा बहुत जो है इसमें वाटरिंग कर दिया। तो ये देखिए, ये जो है पूरा मिक्स हो गया। तो अभी जो है दोस्तों इसमें जो फ्लावरिंग और भी धीरे धीरे जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये इस फ्लावर से मतलब जो कि पूजा भी करते हैं, तो ये हर गार्डनर के पास होता है, हर घर पे होता है। तो इसको केयर करना है तो मैं आपको बताया। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रूनिंग से डरना नहीं है, आप प्रूनिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं। प्रूनिंग करने से मतलब आपका नया जो ब्रांचेस निकलता है उसी को जो है आप अगर ठीक से केयर करते हैं तो वही आपको आगे जाके बहुत अच्छा फ्लोरिंग देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये अपराजिता प्लांट आप मतलब कहना अगर ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा इसका अगर ध्यान रखेंगे तो आप भी मतलब इस प्लांट को जो है बुशी बना सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर किया अपराजिता के बारे में आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।